मॉर्निंग स्वीट चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। यू आर डूइंग वेरी गुड फॉर कीप इट अप। गॉड हैज ब्लेस्ड अस विद सो मेनी ब्यूटिफुल थिंग्स, सो लेट अस थैंक ऑलमाइटी फॉर हिज ब्लेसिंग्स। जॉइन योर हैंड्स एंड recite the prayer. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, I worship you. फ्रिक्शनल फोर्स
आपने बच्चों ऑब्जर्व किया है, आप टॉय कार से खेल रहे हो, आपने उसको पुश किया है, फोर्स लगाई है, कुछ देर के बाद वो टॉय कार आपकी रुक जाती है, वो उतनी दूर ही चलेगी जितनी दूर आपने उस पर अपनी फोर्स लगाई है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अर्थ का सरफेस है और जो टॉय कार के टायर है उनमें आपस में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? फ्रिक्शन। और जो फ्रिक्शन है वो चलती हुई चीजों को रोकती है। वर्क, वर्क मतलब काम। अब जो साइंटिफिक टर्म में काम कब होता है, ठीक है, आप ये समझिए, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, इट मींस वर्क इज डन। कि जब हम फोर्स लगाते हैं अपनी तरफ, किसी चीज को खींच रहे हैं या उसको पुश कर रहे हैं, ओके, फोर्स लगाना ही काफी नहीं है वर्क में, फोर्स के कारण जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं उसमें मूवमेंट होनी जरूरी है। अगर मूवमेंट होगी तो वर्क होगा। अब देखो ये ग्रीन बोर्ड है, मैं इसके ऊपर देखो फोर्स लगा रही हूँ अपनी, बट इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, इट मींस वर्क नहीं हुआ है। वर्क कब होगा? जब ऑब्जेक्ट में क्या होगा? मूवमेंट होगी, वो चीज उसकी जगह से मूव करेगी। बच्चों आप ये बताइए, आप खाना क्यों खाते हैं, किस लिए खाते हो? ताकि आपको उससे क्या मिलती रहे? एनर्जी। और एनर्जी की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, बताओ क्यों जरूरत पड़ती है एनर्जी की? वी नीड एनर्जी टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। हमें बहुत सारे ऐसे काम करने होते हैं जिसके लिए हमें ताकत की जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, कि किसी भी काम को करने की कैपेसिटी होना हमारे अंदर। देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बच्चों बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं, ऐसे तरीके हैं जिससे एनर्जी मिलती है, स्रोत है, देने वाले हैं। अब एनर्जी हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी आपने ये वर्ड बहुत बार सुना है, क्योंकि क्या है सोलर एनर्जी? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये कभी भी खत्म नहीं होगी, हम इसको चाहे कितना भी यूज करें। और सोलर एनर्जी किससे मिलती है? फ्रॉम द सन। जो सन से हमें एनर्जी मिलती है दैट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी एंड इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। प्लांट्स को यूज करते हैं सोलर एनर्जी को अपना फूड बनाने के लिए, यस, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। There are many appliances that are run with the help of solar energy. जैसे क्या है? सोलर कुकर है, सोलर हीटर है। ये क्या करते हैं? सोलर कुकर एंड सोलर हीटर कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में, और इस हीट एनर्जी से खाने को गर्म कर सकते हैं, उसमें पका सकते हैं खाना। और जो सोलर हीटर्स होते हैं वो पानी को गर्म करने के काम आते हैं। उसी तरह से आपने छतों के ऊपर रोड साइड पे सोलर पैनल्स देखे हैं। सोलर पैनल्स भी क्या करते हैं? ये भी सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम अपने घरों में, इंस्टीट्यूट्स में या फिर कहीं और यूज करते हैं
एनर्जी की फॉर्म में, विंड एनर्जी चलती हुई हवा से जो ब्लोइंग एयर होती है वो क्या होती है, विंड। और विंड में क्या होती है, एनर्जी होती है जिसे हम विंड एनर्जी कहते हैं। विंड एनर्जी भी बच्चों हेल्प करती है हमारे काम में। विंड मिल्स विंड एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी पानी से जो एनर्जी बनती है चलते हुए पानी में, फ्लोइंग वाटर, चलते हुए वाटर में क्या है, एक एनर्जी है। और ये एनर्जी हाइड्रो स्टेशंस में प्रोड्यूस की जाती है। पानी को ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है और वहां पर टर्बाइंस की हेल्प से एनर्जी बनाई जाती है। एंड दैट एनर्जी वी गेट फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। समटाइम्स वी फाइंड वर्क डिफिकल्ट टू डू विद आवर हैंड्स। एट दैट टाइम सम टूल्स आर देयर विच हेल्प अस टू डू आवर वर्क इजिली। तो सिंपल मशीन्स क्या है, सिंपल मशीन्स आर द टूल्स यूज्ड बाय अस टू मेक आवर वर्क इजियर एंड फास्टर। सिंपल मशीन्स की हेल्प से हम अपने काम को आसान कर सकते हैं और तेजी से भी कर सकते हैं। कैसे कि जैसे हमें एक कपड़े को काटना है, हाथ से हम उसको काट रहे हैं, वो नहीं हम तेजी से उसको कर पाते, वो कटता नहीं है कपड़ा। एंड इफ वी यूज सीजर्स टू डू द सेम वर्क इट इज वेरी इजी टू कट विद द हेल्प ऑफ सीजर्स। तो सीजर्स क्या है, एक सिंपल मशीन है जिसने हमारा काम आसान किया है। देर आर सिक्स टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स, सो वी विल रिवाइज इट वन बाय वन। नंबर वन लीवर। लीवर क्या है बच्चों, ये भी एक तरह की सिंपल मशीन है। और ये कैसे काम करती है, टू ओपन लिड, आपको ढक्कन खोलना है तो आप स्पून की हेल्प से उसको इजीली कर लेते हो। लिफ्ट वेट्स, आपको वजन उठाना है, किसी चीज को काटना है, तो ये सारा काम लीवर हेल्प करता है। और इसमें क्या क्या एग्जांपल्स हैं, नट क्रैकर्स, बॉटल ओपनर, प्लायर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लीवर। नंबर टू इंक्लाइंड प्लेन। अब इंक्लाइंड प्लेन क्या है, एक स्लैंटिंग सरफेस होता है और स्लैंटिंग सरफेस हमेशा भारी चीजों को कम फोर्स लगा के ऊपर ले जाने में और ऊपर से नीचे लाने में हेल्प करता है। जैसे आपके घर में बाहर की साइड रैंप बना होता है, तो उस रैंप का बनाने का एक साइंटिफिक रीजन है कि आप कोई भी चीज, जैसे आप व्हीकल अंदर लेकर जाते हो, तो रैंप की हेल्प से हम कम फोर्स लगा के अपना काम कर सकते हैं। वेज। वेज क्या है, दो चीजों को आपस में काटने के लिए जो मशीन यूज की जाती है, दैट इज वेज। इसमें क्या होता है, दो इंक्लाइन प्लेन बैक टू बैक जुड़े होते हैं और एक शार्प एज बनाते हैं जिसकी हेल्प से हम चीजों को काट सकते हैं। और एग्जांपल क्या है, एक्स कुल्हाड़ी, जो आप देखते हो ना लकड़ी काटने वाली जो होती है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेज। नेक्स्ट इज स्क्रू। स्क्रू क्या है बच्चों, ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप के चारों तरफ इंक्लाइंड प्लेन रैप
कैसे हम दो चीजों को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि आपकी वाटर बॉटल की जो लिड है, जो उसकी कैप है, उसमें आपने देखा है ग्रूव्स बने होते हैं, और वो ग्रूव्स की हेल्प से जब हम बोतल को उसके ऊपर लगाते हैं, उसके माउथ के ऊपर, तो ये ग्रूव्स आपस में फिक्स हो जाते हैं और बोतल को टाइटली बंद कर देते हैं। ओके, नाउ व्हील एंड एक्सेल। व्हील एंड एक्सेल की हेल्प से चीजों में मूवमेंट आसान हो जाती है, उसको मूव करना आसान रहता है। मोस्टली व्हील एंड एक्सेल व्हीकल्स के अंदर यूज होते हैं। आपकी टॉय कार है आपके पास, आपने देखा होगा, उसमें नीचे व्हील्स होते हैं और वो एक रोड के साथ जुड़े होते हैं, और जो रोड है जब हम उसको स्टीयरिंग को मूव करते हैं तो ये रोड व्हील्स को मूवमेंट देती है। उसी तरह रोलर पिन, आपने एक्टिविटी में भी ऑब्जर्व किया है कि जो चकला बेलन जिससे आपकी मम्मा चपाती बनाती है, वो भी व्हील एंड एक्सेल की तरह काम करते हैं। चपाती बनाते हुए ये हमारे क्या बन गए हैं, व्हील, और जो बेलन का ऊपर वाला है राउंड राउंड, वो एक्सेल की तरह काम करता है और चपाती इसलिए बन जाती है। उसी तरह से पुली, पुली भी बच्चों की बहुत अच्छी डिवाइस है जो हमारे काम को आसान करती है। हमें वैसे से पानी खींचना है, ठीक है, अगर हम सीधा बकेट को डालेंगे बहुत मुश्किल होगा, हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो वेल में क्या होता है, एक राउंड ऑब्जेक्ट होता है, यस व्हील होता है, जो बेसिकली व्हील होता है राउंड से शेप, और उसमें कोर रस्सी वो लिपटी होती है उसके चारों तरफ, और जब हम उस रस्सी के सिरों को एक तरफ खींचते हैं और दूसरी तरफ बकेट होती है, तो हम उसको बड़े कम एफर्ट से लगा के उससे अपना काम कर लेते हैं। दिस इज द वर्कशीट ऑफ लेसन 22। आपने चैप्टर अच्छे से समझा है, तो चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन ए, राइट आंसर इन वन वर्ड। आपको सेंटेंस को अच्छे से ध्यान से समझना है, इससे पहले रीड कीजिए और फिर इसका मीनिंग निकालिए कि क्या आंसर बनता है। नंबर वन, द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, कि बहते हुए पानी में कौन सी एनर्जी होती है, उसका यहाँ पर आपको नाम लिखना है। द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया, इंडिया में सबसे बड़ा डैम कौन सा है। फोर्स दैट पुल्स द ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स द अर्थ, कौन सी फोर्स है अर्थ के अंदर जो उससे चीजों को अपनी तरफ अर्थ खींचती है। इट इज द पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये पुश या पुल है और जो हम किसी भी चीज के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो बच्चों हमेशा क्वेश्चन को समझना है, अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरह से, और फिर उसको लिखना है आंसर, और लिखने के बाद उसको दोबारा से रीड करना है, चेक करना है, स्पेलिंग्स भी चेक करने हैं। क्वेश्चन बी, चूज एंड राइट द ओड वन। यहाँ पर देखो फोर आपको ग्रुप्स दिए हुए हैं, और ओड वन क्या होता है, जो इन ग्रुप्स में अलग होता है, इनके साथ सेट नहीं होता, तो आप इनको ढूंढोगे कि वो कौन सा वर्ड है जो एक दूसरे से मैच नहीं होता। देखो नंबर वन, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, फ्रिक्शन। तो यहाँ पर बच्चों आपको समझना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो तीन एक कंटेंट को सपोर्ट करते हैं और एक उनसे बिल्कुल अलग है, जैसे सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये तीनों क्या है,
Yes, these are different types of energy. और friction इनसे match नहीं होता, क्योंकि friction क्या है? बल, force की ही type है एक, okay? जिसे हम frictional force भी कहते हैं. Number two, screw, nutcracker, scissors, meter, rod. तो आपको इसमें भी समझना है कि इसमें अलग क्या है? Yes, क्या है अलग? आया ना याद आपको? Yes, ये तीनों किसके नाम हैं? Simple machines. और ये meter rod बिल्कुल अलग है. ये क्या है? एक वो rod metal की जिससे हम कपड़े को measure करते हैं, नापते हैं. Number three, change of speed, change of climate, change of shape, change of direction. अब यहाँ पर तीन किसको सपोर्ट कर रहे हैं ये तीनों? याद कीजिए, फोर्स. ये तीनों काम फोर्स करती है. स्पीड, शेप, डायरेक्शन को फोर्स चेंज करती है. बट चेंज ऑफ क्लाइमेट इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है. तो ये क्या हो गया है? ऑड वन. नेशनल डी वार्मिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th फरवरी every year in our country. The aim of this day is to make children warm free. बच्चों को warm से बहुत ज़्यादा problems आती हैं, बीमारियाँ होती हैं. तो अब तृप्ति मैम आपको एक activity के through समझाएंगे कि कैसे हम अपनी body को warm free रख सकते हैं. ये देखिए बेटा, ये हमारे हैंड्स हैं और ये जो स्पार्कल्स दिख रहे हैं ये जर्म्स को इंडिकेट कर रहे हैं. हमारे हैंड्स में इसी तरह से जर्म्स होते हैं और जब भी हम किसी से भी हैंड्स शेक करते हैं या हाथ मिलाते हैं या किसी भी सरफेस में हाथ रखते हैं तो ये जर्म्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं दूसरे सरफेस में. ये देखिए, मैंने हैंड शेक किया और जर्म्स दूसरे हैंड में ट्रांसफ़र हो गए. अगर हम हैंड्स नहीं वॉश करेंगे प्रॉपरली तो ये जर्म्स जो हमें दिखाई नहीं देते हैं वो स्टमक में जाके वॉर्म्स बन जाते हैं. वॉर्म्स बेटा हमें दिखाई देते हैं पर जर्म्स हमें कभी भी दिखाई नहीं देते हैं. ओके, तो हमें हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस से बच सकें. ये देखिए, मैंने लिक्विड हैंड वॉश और सैनिटाइजर लिया है. हमें हमेशा खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद कोई भी चीज़ आप अगर खाते हैं या फिर आप टॉयलेट जाते हैं तो भी आपको हमेशा अपने हैंड वॉश करने चाहिए. ओके, जिससे कि जर्म्स हमारे स्टमक में ना जाएं और हम हेल्दी रहें. ओके, थैंक यू बेटा. स्टे होम, स्टे सेफ. गॉड ब्लेस यू ऑल.